धनंजय सर, कई सवाल हो गए अब तो। एक तरफ ब्रजेश जी सवाल उठा रहे हैं घबराहट को लेकर के, दूसरी तरफ जो सवाल है 26 बनाम 38 और 39 वाली, दूसरा अब इंडिया बनाम एनडीए वाली जो लड़ाई की बात कही जा रही थी, सतीश सर का कहना है कि वो इंडिया बनाम भारत की लड़ाई हो गई है। तो ये सारी चीजें, एक ये सारे सवाल और दूसरा ये कि जो सतीश सर कह रहे हैं कि माहौल एक बन रहा है, तो वो माहौल सर कौन सा माहौल बन रहा है, किधर जाता हुआ, किसके फेवर में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? धनंजय सर, सतीश भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो लास्ट लाइन को पकड़ता हूँ, और बाकी बहुत चीज़ों से मैं असहमत हूँ। वो अच्छी लाइन ये है कि इस बार वॉक ओवर नहीं है, इस बार कांटे का टक्कर है। और कांटे का टक्कर है तो ठीक है, वो भारत जो सतीश भाई साहब बोल रहे हैं, भारत नहीं, उनका एनडीए ही रहेगा, ठीक है। उसमें उन्होंने न्यू इंडिया नाम दिया है, एन से न्यू इंडिया, भारत तो कहीं आता नहीं है, न्यू इंडिया। डी से दिया है डेवलप्ड नेशन, और ए से दिया है एस्पिरेशन ऑफ पीपल। भारत तो कहीं वो नहीं उभार पाएंगे, इंडिया बनाम भारत नहीं कर पाएंगे। अगर अगर एन से इंडिया बनाते हैं तो न्यू इंडिया बनाते हैं, नया भारत बनाते हैं। तो मुझे लगता है, एक तो सबसे पहली बात मैं कहूं कि मोदी जी के बारे में जो एक छवि प्रचारित है कि मोदी जी रणनीति जानते हैं, आरएसएस रणनीति जानता है चुनाव जीतने का। अरे दो ही बार जीते हैं भाई, इसके पहले बहुत बार लोगों ने चुनाव जीता है। विधानसभा चुनाव में लगातार हारे हैं मोदी जी, जगह जगह उनको हराया गया है। खाली गुजरात नहीं है ना देश, देश उसके आगे जो आजू बाजू आगे पीछे भी देश है, तो हारते हैं मोदी भी। ये तो पहले ये लोग जो लेके चल रहे हैं कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता, ये हटा दीजिए लाइन। और ये इस बार जो कांग्रेस है, जो जैसा किस भाई साहब ने कहा कि कांटे का टक्कर है, बिल्कुल कांटे का टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात आती है कि जो 38 बनाम या 40 बनाम या पता नहीं अभी कितने और जुड़ेंगे। मोदी जी जोड़ने के लिए निकले हैं तो घास पात पत्थर ईंट पेड़ वृक्ष भगवान पता नहीं सबको जोड़ देंगे, कोई छूटेगा नहीं, कण कण को जोड़ देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान तो कण कण को जोड़ के बना हुआ है ना। भारत तो अपने आप में भगवानों का देश है, सारे भगवान इसी यहीं रहते हैं, बाकी दुनिया के किसी हिस्से में कोई देवता नहीं रहता, सब यहीं रहते हैं। तो मोदी जी से उनका डायरेक्ट संबंध भी है, वो साक्षात करते रहते हैं, वो तपस्या भी करते हैं, वो जो है साधना भी करते हैं। सब लोग उतना नहीं करते हैं, सब लोग उतने धार्मिक नहीं है, लेकिन एक जो बड़ा महत्वपूर्ण है जो मोदी जी का दिखाई पड़ता रहता है, रोज दिखता है, मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, जो मोदी जी बोलते हैं वो होता नहीं। और जो मोदी जी बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री वाला जो एक, एक, एक जो गरिमा है, उस पद की जो गरिमा होती है, वो लगातार उन्होंने खो दी, लगातार खोई है, और वो हमेशा नरेंद्र मोदी के तौर पे दिखते रहे। गुजरात में किस तरह से दिखे मुझे नहीं मालूम, गुजरात का बहुत ज़्यादा अध्ययन मुझे नहीं है, लेकिन देश के तौर पे मैं देखता हूँ कि वो लगातार जो है वो नड्डा की जगह ले लेते हैं। जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर बार उनकी जगह ले लेते हैं, बोले हटिए मैं ही यहाँ हूँ। जैसे रेलवे का उद्घाटन करने जब होता है किसी नई ट्रेन का, तो रेल मंत्री को या डीआरएम को या उस जोन का जो हेड होता है अधिकारी, उसको हटा करके खुद झंडी पकड़ लेते कि हटो मैं ही दिखाऊंगा झंडी, वैसे ही यहाँ करते हैं। अब जो बात है वो उनके दो महत्वपूर्ण, जब से वो आए हैं नेशनल लेवल पे, तब से दो महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, एक भ्रष्टाचार को उठाते हैं और दूसरा परिवारवाद को उठाते हैं। अब बताइए कि भ्रष्टाचार पे कौन सा ऐसा उनका काम है जिसको अंडरलाइन किया जाए जनता की निगाह में, मेरी निगाह में कोई हो तो आप बताइएगा। भ्रष्टाचार पे उन्होंने सबसे बड़ा हमला किया राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे, किसको अरेस्ट किया 9 साल में? अगर अभी आप किसी के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाते हो, किसी को जेल के अंदर बंद नहीं कर पाते हो, तो क्या करोगे? अभी कैसे करा दिया आपने राहुल गांधी को, 2 साल के लिए सजा दिलवा दी, कितनी जल्दी अदालत ने फैसला दे दिया। तो वैसे ही बेरोजगारी पे क्यों नहीं दिलाते, ये बेरोजगारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं आप दिलाते तुरंत वैसे ही जजमेंट, राहुल गांधी जेल के अंदर चले जाए, भ्रष्टाचार किया है। फिर आप आइए महाराष्ट्र पे आइए, तो महाराष्ट्र पे जब आते हैं तो उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा था, छोड़ जाइए फडणवीस ने क्या कहा था, चक्की पिसिंग, छोड़ दीजिए उसको। मोदी जी ने कहा था 2 दिन पहले कि जो हम गारंटी देते हैं जो भ्रष्टाचारी होगा उसको जेल के अंदर जाना होगा, तो जिसपे आरोप लगाए वो सब तो मंत्री बन गए। उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है कॉपरेटिव में, कॉपरेटिव मंत्रालय भी दे दिया जो अजीत पवार जी के साथ लोग आए थे उनको दे दिया, तो मतलब जनता के सामने कुछ और बंद कमरे में कुछ, ये तो गलत बात, जनता को ठगते हैं आप।
नेताओं से हो सकता है सच बोलते होंगे आप, लेकिन जनता से क्यों लगातार झूठ बोल रहे हैं आप, ये तो हम सब देख रहे हैं। फिर कल जो उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि सब दुकान खोल के बैठे हैं, आप क्या खोल के बैठे हो? दूसरी राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं आपके विपक्ष में दुकान खोल के बैठी है, वो देश को बर्बाद करने पे लगी है, और आप अकेले देश संभाल रहे हो। अभी 2014 से ही देश संभाल रहा है, 2014 के पहले देश नहीं था, और आपके जाने के बाद देश नहीं बचेगा, ये कहना चाहते हो? देश आप नहीं संभालते हो, देश इस देश के नागरिकों ने संभाला हुआ, इस देश के नागरिकों के पास अधिकार है। संविधान में ये कहा गया कि इस देश के नागरिक जो है यहाँ के भगवान है, यहाँ के देवता है, यहाँ के मालिक है, कोई नेता यहाँ का इस देश का मालिक नहीं है। नेताओं ने तो फंसा दिया, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, 30-35 सालों से देख रहा है हिंदू मुसलमान चल रहा है, और समाज को जिस तरह से बांटा है उसकी भरपाई कैसे हो? मणिपुर में जिस तरह से आग लगी है, और कल देखिए मीराबाई चानू ने क्या कहा, जो वेट लिफ्टर है ओलंपियाड ओलंपिक जीत करके आई है, उसने क्या कहा, मेरा घर बचाइए। आप देखिए कितने बुरे हालात हैं, आपके पास एक मिनट का समय नहीं है मणिपुर में बात करने के लिए, और आप कहते हो जोड़ रहे हो, कुकी और मैत्री दो समुदाय है उसको लड़ा दिया है आपने, जोड़ रहे हैं तो जोड़िए उनको, क्यों मर रहे हैं लोग? तो सारा झूठ बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, कहाँ लेके जाओगे? अगर भगवान लोग कहते हैं कि भगवान जो है सब देख रहा है, हम मान लिए भगवान सब देख रहा है, तो क्या वो झूठ आपका नहीं देख रहा, खाली हमारा झूठ देखता है? तो आप न तो धार्मिक व्यक्ति हो, धार्मिक व्यक्ति उसको कहते हैं जिसके भीतर घृणा ना हो, क्योंकि सबको इस ईश्वर ने बनाया है, तो फिर घृणा कैसे? धनंजय सर, दो सवाल में आ जाओ सर, दो छोटे छोटे सवाल में आपको इसी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मैं दो सवाल भी इसी लगे आज जोड़ दूं। एक, आपने मणिपुर का जिक्र किया, प्रधानमंत्री अभी जिस घटना का जिक्र, जिस उद्घाटन का जिक्र ब्रजेश जी कर रहे थे, जब वहां पर वो बोल रहे थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो दल हैं वो केवल अपना विकास करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं, अपराध भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर इनका मुंह बंद हो जाता है, एक चीज इन्होंने उठाई थी। दूसरा, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो हिंसक घटनाएं हुई उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने सीधे निशाना साधा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हो रही है, और सारे विपक्ष जो है वो कोई भी कुछ उस पर बोलने को तैयार नहीं है। उसी जगह पर पश्चिम बंगाल की हिंसा जो बाद में घटना हुई वो दिखाई दे गई उनको, मणिपुर की घटना जिसका आप जिक्र कर रहे थे उस पर उन्होंने उस समय भी नहीं बोला, ना ही उन्होंने ये कहीं जिक्र किया कि उस पर कोई सवाल उठाया जा रहा है। उस घटना का जिक्र करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के इतने सारे दल, जो 38 जो 37 39 जो भी कहे जा रहे हो, उनमें से भी किसी ने पलट कर ये सवाल नहीं उठाया कि मणिपुर में आग लगी हुई है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर लेते? जो चीज, जिस चीज का आरोप वो विपक्ष पर लगा रहे, वही सीन तो वहां भी क्रिएट हो रहा था कि वो दल आरोप नहीं, वो दल जो है किसी तरीके का वो नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। दूसरा, जो अपराध वाली बात थी, जो आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, महाराष्ट्र में जो भाई पहले जिसका जिस घटना को आप बता चुके हैं, उसी घटना को मैं फिर कहूं कि भाई आप ही कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, फिर आप उनको ले लेते हैं, ये जो दोनों चीजें हैं आप आखिर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? और अगर आप जो कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या अभी भी 2024 और 2019 की तरह का ही असर लोगों के बीच में बना हुआ है, जो लोग ये सारी सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं या देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, सबको सब कुछ दिखता है। अब ये सवाल है, आंखें सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, विवेक सबके पास है, मन सबके पास है, सबके पास है, सबको सब दिखता है, लेकिन कितना दिखता है सवाल ये है असल, कि आपको दिखता कितना, आपकी आंख के सामने जो है उतना ही दिखता है, या जो आपकी आंख के पार है वो भी आपको दिखाई पड़ता है, जो आपके विवेक की आंख है, जो आपके मन की आंख है, जो आपके बुद्धि की आंख है, आपके पढ़ाई लिखाई की आंख, उससे भी कुछ दिखता है, तो दिखता तो सबको है। अब ये जिसको क्या, किसको क्या दिखाना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मोदी जी जो चालाकी करते हैं, मोदी जी को पता है कि इनके पास एक जो है जो मेन जो जिसको मैं गटर मीडिया कहता हूँ, ये गटर मीडिया इनके लिए सबसे बड़ा स्क्रीन है, देश के लिए, देश की उस जनता के लिए जो मोबाइल पे है, देश की उस जनता के लिए जो टीवी की खबरों को देखता है, जो इस जनता के लिए जो लोगों की बातें सुनता है, देखे हुए लोगों की बातें सुनता है, और देखे हुए लोगों में ज्यादातर कौन, इनको पता है कि आरएसएस इनके पास एक मजबूत संगठन है जो गांव गांव में बातें फैला सकता है, क्योंकि हम लोग सिनेमा में भी इसका जिक्र करते हैं कि फिल्में वो हिट नहीं होती है जिसकी भारी पब्लिसिटी की जाती है, फिल्में वो हिट होती है जिसका माउथ पब्लिसिटी होती है। बोलने वाले क्या फिल्म देख करके आते हैं तो क्या बोलते हैं, फिल्म अच्छी है या बुरी है? अगर फिल्म अच्छी है बोलते हैं तो फिल्म हिट हो जाती है, फिल्म बुरी है बोलते हैं तो फ्लॉप हो जाती है। समझिए, एक उदाहरण लीजिए, अभी हाल में आई थी जो
राम और हनुमान और क्या क्या जो फिल्म का जो जिक्र आया था, अभी एक आई थी ना फिल्म का नाम बोल रहा हूँ है ना, जिसमें आपके जो बड़े देश के नए चिंतक जो आ गए हैं गीतकार, अब तक सिनेमा में इतना बड़ा गीतकार कोई आया नहीं था जितने बड़े गीतकार ये हैं, है ना, आपके शुक्ला जी, आपके प्रदेश के शुक्ला जी, तो ये जो है पहले तो कुछ और थे, अभी शुक्ला हो गए, मनोज मुंतशिर, मनोज मुंतशिर खाली मत बोलिए, मनोज मुंतशिर शुक्ला, शुक्ला बोलिए, जी 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 ठीक है, शुक्ला साथ ही बोलिए, आदि पुरुष नाम था पिक्चर का। हाँ तो इस तरह के जो चीजें होती है वो पता चलता है। ये क्या करते हैं, ये जानते हैं कि माउथ पब्लिसिटी करने में हम जो बोलेंगे वही वहां पहुंचाएंगे, इनके भक्त, इनके भक्त हैं, इनके आरएसएस के लोग हैं और मीडिया के भोंकू के लोग हैं, यही वो छोटे छोटे मीम्स बनाएंगे, छोटे छोटे वो वीडियोज शेयर करेंगे, वीडियोज पे इनके पास लाखों करोड़ों की संख्या में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, चाय की दुकान पे, फलाना की दुकान पे। लेकिन देखिए क्या होता है, हर चीज की एक सीमा होती है, एक बार बेवकूफ बनाएंगे, दो बार बनाएंगे, तीसरी बार उसको पता चल जाएगा ये आदमी बेवकूफ बनाता है। गांव में तो हमने देखा है, अरे मारो यार ये बड़ा झूठा आदमी है, ये साला जो बोलता है झूठी बोलता है, शुरू में उसके आकर्षण में आ जाते हैं। तो मोदी जी की छवि ये पूरे देश में हो गई है कि झूठ बोलने वाला आदमी है, ये झूठ बोलता है, ये छवि आ गई है। अब उस झूठ को, मोदी जी की जो छवि थी उसको सच कैसे बदलेगा, वो बदलना आसान काम नहीं, आरएसएस के बूते भी नहीं है कि वो सच में बदल दे, वो सच बदलने का काम जो है सिर्फ मोदी जी खुद ही कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद पर बैठकर। ये जो उन्होंने अमेरिका जाकर के बोला कि हर सप्ताह यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, तो सब लोग तो पूछ रहे हैं, अमित शाह जाके बोलते हैं पूर्णिया की एयरपोर्ट शुरू हो गया तो सब देख रहे हैं कहाँ एयरपोर्ट है, कहाँ से हवाई जहाज चल रहा है। वो जाकर के बोला है कि जो है जब यहाँ पे मुंगेर में हमने कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, ललन सिंह ने कहा किधर खोला है, तो हमारा पैसा लगा हुआ। तो इस तरह से लगातार झूठ इनका सामने आ रहा है। दूसरी बात परिवारवाद की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही वही है, परिवारवाद की बात आते तो बताइए कि चिराग पासवान क्या है, क्या है चिराग पासवान जिनको गले लगाया कल उन्होंने, और पशुपति कुमार पारस क्या है जिनको तोड़ करके अपने साथ शामिल कर दिया, वो जो सहनी जिनको जिनको शामिल किया उनकी भी पार्टी शामिल हुई है, सहनी जो हमारे मुकेश सहनी है। सर ये सूची बहुत लंबी है, सोशल मीडिया पे ये सूची खूब घूमती है, और इस सूची का जिक्र किया जाएगा तो फिर बाकी सारे दल का परिवारवाद एक तरफ हो जाएगा जो परिवारवाद भाजपा में है। सूची का तो ये है कि देश इनको तो चुनाव आयोग में जितनी पार्टियां रजिस्टर्ड है सबकी लिस्ट लेके बैठ जाना चाहिए, लेकिन वो लिस्ट लेकर के बैठने से नहीं होता है, वो ये कर रहे हैं, वो जान के कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इसलिए कि कुछ भी वोट, किसी के पास 10 वोट है, किसी के पास 20 वोट है, किसी के पास 100 वोट है, वो हमारे पास आ जाए। लेकिन यहाँ राजनीति जो है गणित से नहीं चलता है, राजनीति में 5 लोगों को मिला दिया तो हम 3 लोग खड़े हो जाएं, 1 लोगों को समर्थन दे दे सब वोट इधर दे देगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने विवेक से वोट करता है। तो इसलिए वो चल, लेकिन ये परसेप्शन गढ़ते हैं, एक और लाइन लास्ट लाइन कर दूं, ये परसेप्शन गढ़ते हैं, परसेप्शन गढ़ने में इनकी मास्टरी है, और उस मास्टरी में इनका काम साथ देते हैं जो मीडिया के लोग हैं, जो बड़ी भारी संख्या, वो सोशल मीडिया के भी उनके समर्थक लेते हैं। मैं एक संपादक को इधर तो 4-5 दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वो क्या बोल रहा है, वो सोशल मीडिया पे वो बोल रहे हैं जो नेशनल मीडिया, गडर मीडिया भी इस तरह की भाषा नहीं बोलता जो बोल रहा है, एकदम शुद्ध चाटुकारिता में लगे हुए हैं। अरे पत्रकारिता को बदनाम मत करो यार, मोदी जी मत बन जाओ, मोदी जी ने तो अपने पद को बदनाम किया। ठीक है मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, करने दीजिए उनको, आगे चीजें पीछे बीजेपी को देखना है, संभालना है, सब अच्छी बात है। और मैं ये भी नहीं कहूँ कि देश में सब खराबी हो रहा है, देश में कई सारी चीजें अपने आप अच्छी होती है, जिससे जो बैठा कहते हैं ना कि वो अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम, तो इस देश के भी दाता राम ये भगवान ही मालिक के लोग अक्सर हमारे गांव में, आपके गांव में भी बोलते होंगे, इस देश का भगवान ही मालिक, क्योंकि ये तो वंदे भारत ट्रेन चलाते हैं जहां पे आम आदमी चढ़ नहीं सकता। अब बताइए 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हो और कह रहे हो वंदे भारत ट्रेन पे चढ़ो, और वंदे भारत के चक्कर में वो जनता एक्सप्रेस को लेट कर दो गया, वो लोग आज बंद कर देते हैं, आज कोई नहीं आएगा। तो कई सारी गड़बड़ियां हैं और मोदी जी उन गड़बड़ियों को संभालने के बजाय अफवाह को बढ़ा देते हैं, झूठ को बढ़ा देते हैं। परिवारवाद जैसे कोई सवाल है नहीं, परिवारवाद ये इनका झूठा सिगुफा है आरएसएस वालों का। वो संघ परिवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा समझाइए हमको, संघ परिवार बोलते हैं कि कोई अगर परिवार से इतना विरोध है, सबको जो है शादी नहीं करना चाहिए, शादी कर लिया तो पत्नी को छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही देश में लोग होने चाहिए। तो हमारा शास्त्र तो कहता है कि संतति सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको जिसकी औलाद नहीं है, जिसके पुत्र नहीं है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो ये कहता है शास्त्र। इसलिए सब लोग हमारे समाज में क्यों पुत्र के पीछे पड़े रहे,
सालों साल सदियों कि नहीं एक बेटा हो जाए किसी तरह, बेटी से नहीं मोक्ष मिलता, बेटा आग देगा तभी मोक्ष मिलेगा। तो ये 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 डबल मीनिंग, ये दो धारी, दो चीजें बातें क्यों करते हैं आप? अपने धर्म के व्यक्ति हैं, अपने राजनीति के व्यक्ति हैं, आप दो आप परिवार के भी व्यक्ति नहीं है, तो आपको कहीं के व्यक्ति नहीं है। ये जो है संजोग है, चीजें घटती बढ़ती रहती है, कौन क्या प्रेस कर रहा है, लेकिन हर बार आपके तरीके से चीजें नहीं होगी क्योंकि दूसरे लोग भी है। लास्ट दो लाइन और बोल देता हूँ। ये जो इंडिया का जो गठबंधन है उसमें सारी मूल पार्टियां हैं, जिनकी पार्टियों का जनाधार है, जिनके नेता ने संघर्ष करके पार्टी बनाई, चाहे शरद पवार हो या नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो। आप बिहार में देख लीजिए, चिराग पासवान, सब मीडिया कह रहे हैं कि जो है उनका वोट जातिवाद पे मोदी जी बोल रहे थे, चिराग पासवान के पास कौन वोट बैंक है? पासवान जाति के अलावा कौन उनको वोट देता है? पासवान वोट जो है, तो क्या वो जातिवाद नहीं है? अगर यादव होना, यादव की कोई पार्टी है तो जातिवादी पार्टी है, तो पासवान की पार्टी भी तो जातिवादी पार्टी है। बिहार में आप आइए तो जो बीजेपी के सबसे ज्यादा समर्थक भूमिहार है, तो क्या भूमिहारों की पार्टी है बीजेपी? ऐसा बोले हम? सारे भूमिहार वोट देते हैं क्या हम ऐसा बोले? 90% देते हैं, ठीक है, 80% यादव वोट देते हैं आरजेडी को, ठीक है, पासवान जी को भी 90% लोग वोट देते हो, लेकिन कुछ लोग अलग अलग लोगों को भी वोट देते हैं। तो ये आरोप लगा देना दूसरे पे, अपने गिरेबान में नहीं झांकना, ये मोदी जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी धनंजय सर, जो हम बात कर रहे थे आंकड़ों की, जिस तरीके से 38 दलों के जो आंकड़े की हम बात कर रहे थे, किसी ने चुनाव नहीं लड़ा तो किसी का एक, वैसे ही सर एक स्थिति है कि जब एनडीए, आज की स्थिति अगर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सीटों के साथ, जो इस समय का एनडीए है उनके पास करीब 332 उनकी संख्या आती है, जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार सहित जितने जो ये सारे लोग हैं वो सब सम्मिलित होने के बाद, ये जो 37 दलों का समर्थन दिखाया जा रहा है सर, इसमें सबसे बड़ा वो नंबर है जो एकनाथ शिंदे के पास है, जो 13 का आंकड़ा बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे के साथ 13 सांसद है, तो यही सबसे बड़ा समर्थक घटक है फिलहाल उनका। दल तो नहीं कहा जा सकता, दल पे तो सवाल है कई सारे, लेकिन घटक जो है वो सबसे बड़ा यही है। सर महाराष्ट्र में आप हैं, महाराष्ट्र में क्या लगता है कि ये जो नंबर है 13 का, जिस आंकड़े को लेकर के सबसे बड़ा घटक जो कहा जा रहा है, तो वो नंबर आने वाले चुनाव में बरकरार रह पाएगा, या कुछ इसके इतनी सीटें इनके पास या उतना वोट प्रतिशत निकल करके आ पाएगा इनके पास शिवसेना वाला? देखिए, जो हम लोगों का आकलन है उसमें तो नहीं दिख रहा, जमीन पे तो वो नहीं होता दिख रहा उसकी। अब कोई दर्शक आपके पूछ सकते हैं कि वो क्या आधार है उसका, मैं कहूँ आधार ये है कि कोई वोट जो है क्यों देता है, वोट देने के पीछे वजह क्या होती है? वोट देने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि आप किसी चेहरे को, धनंजय जी मेरा एक सवाल है, क्या बीजेपी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को 13 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी भी? बिल्कुल सही सवाल है आपका, बिल्कुल। अगर अजीत पवार भी साथ रहते हैं तो क्या उतनी सीटें उनको मिलेंगी? बिल्कुल सही सवाल है, बहुत सही सवाल है। और मैं इसमें ऐड करूं कि जो मैं बोल रहा था कि व्यक्ति पे वोट देते हैं, फिर पार्टी होती है, फिर स्थानीय उम्मीदवार होते हैं, तो उसके तीन पैमाने हैं। बाकी मुद्दे हम चर्चा करते रहते हैं, विकास के मुद्दे, सड़क के मुद्दे, बहुत डॉन होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन जो ये तीन लेयर हैं कि सबसे पहले चेहरा, कि अगर लोकसभा चुनाव की बात होगी तो प्रधानमंत्री कौन, ये बात नहीं होनी चाहिए लेकिन यही होती है, चैनल में हर जगह डिबेट करते रहते हैं लोग, नेता भी बोलते रहते हैं। दूसरा आता कि कौन सी पार्टी को वोट दिया जाए, कुछ लोग उसकी पार्टी के वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, कुछ लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं, उनको मन करता है कि नहीं यार इस पार्टी को वोट दिया जाए, उस बार उसको वोट दिया। फिर होता है कि लोकल उम्मीदवार जो है वो कैसे है, उनके साथ जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, स्थानीय समीकरण, कभी उसके पास गया था, उसने किस तरह से व्यवहार किया, वो सारी चीजें देख करके दी जाती। अब इन तीनों पैमाने पे कहां शिंदे खड़ा होते हैं? शिंदे जी को मोदी जी के नाम पे वोट मांगना पड़ेगा, तो जाहिर है जो ब्रजेश भाई कह रहे हैं वो सवाल आएगा कि 13 सीट आपको किस आधार पे दे भाई, आप तो मोदी जी हो नहीं, तो फिर तो बीजेपी की सीट है वो। फिर दूसरी बात आती है पार्टी, तो पार्टी तो महाराष्ट्र में चार ही है, बीजेपी है, एनसीपी है, कांग्रेस है, और जो है ये शिवसेना है, शिवसेना। अब जो क्षेत्रीय दल होते हैं उस पार्टी का जो मुख्य चेहरा होता है, जिसने फॉर्म किया है पार्टी को, वही माना जाता है। समझिए आपके उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी फॉर्म की तो उसके उत्तराधिकारी अखिलेश यादव हो गए, बाकी कई लोग मिश्रा जी और जो है वर्मा जी और फलाना जी जो थे उनके बेटे कहाँ हैं, नहीं होते। तो वैसे ही यहाँ पे जो है
जो रीजनल पार्टियां हैं, शरद पवार जी ने पार्टी फॉर्म की तो उसका सही उत्तराधिकारी जो है वो शरद पवार अभी खुद है। शिवसेना है तो बाला साहब ठाकरे ने उसकी पार्टी शुरू की तो उसके उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे हैं, शिंदे नहीं है। तो ये उनको भी एहसास है, इसी एहसास के तहत जो है वो छोटे छोटे दलों को 150 वोट चुके। तो आप देखिए हमेशा बोलते हैं पन्ना प्रमुख, पहले मुझे समझ नहीं आता पन्ना प्रमुख क्या होता है। पन्ना मैंने मुझे समझ में आता पेज की बात कर रहा है, एक पेज पे कितने वोटर हैं उसकी बात कर रहा है पन्ना प्रमुख। पन्ना मतलब एक पेज पे, एक पन्ने में दो पेज होते हैं तो मान लीजिए दो पेज की बात कर रहा है। तो ये जो चीजें कर रही है ठीक है, गणित करना चाहिए, बीजेपी को भी अपना गणित जोड़ना चाहिए, कौन किसको वोट देगा, कैसे कैसे वोट देंगे, क्या लालच दिया जाए, क्या उनको समझाया जाए, वो सारी अपनी जगह। लेकिन मैं बोलूं इस देश में अब पुराना दौर नहीं है, लोग समझते हैं, एक बार नहीं समझते दूसरी बार उनको लग जाता है अरे यार ये तो बेवकूफ बना रहा है। तो महाराष्ट्र में भी वो स्थिति है, आप सोचिए कि उनको क्या जरूरत पड़ी शिंदे गुट के साथ होने के बाद, उनके पास ऑलरेडी सीटें सफिशियंट थी, उनको अजित पवार को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। तो अजित पवार को तोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि शिंदे गुट के टूट के आने से भी बहुत ज्यादा लोकसभा में फर्क नहीं पड़ा बीजेपी को, लगा कि हम बीजेपी वाले को लगा कि हम 10 सीट भी शायद जीते कि नहीं जीते शिंदे को लेकर के साथ। तो उन्होंने अजित पवार को, अब उनको साथ तो ले नहीं सकते तो उनको कमजोर कर रहे हैं कि कमजोर करने से कुछ वोट उनका कट जाएगा तो इससे उनके कम हो जाएंगे वोट तो हमारा वोट बढ़ जाएगा। राजनीति इतना आसान गणित नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ राजनीति इतना आसान गणित। बाकी तो वो लोग राजनीतिज्ञ हैं, नरेंद्र मोदी आज से राजनीति कर रहे हैं, आरएसएस वाले आज से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी बहुत जमाने से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये कहता कि दो जोड़ ऐसा जोड़ते जाएंगे तो जा करके संख्या आ जाएगी 50 या 100, ऐसा नहीं होता। वोटिंग में तो कोई नहीं कर सकता कि रामविलास अब जी ये सब। एक उदाहरण और मैं दे करके खत्म करूं कि जो है जब समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़े तो क्या सबके वोट, दोनों के वोट मिलाइएगा तो बहुत भारी प्रतिशत हो जाता था, तो क्या सब जीत गए बसपा के लोग और सपा के लोग? नहीं जीते ना। तो इसका मतलब वोट ट्रांसफर नहीं होता है ना, 2 जोड़ 2 4 नहीं होता। अखिलेश और मायावती एक साथ हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगी बीजेपी, ये तो सोचना भ्रम है। तो वैसे ही ये सोचना भ्रम है कि बीजेपी अगर 50 दलों को एक साथ ले लेगी तो बाकी पार्टियां खत्म हो जाएगी, ये भ्रम है। और ये भ्रम मोदी जी या आरएसएस या बीजेपी इसलिए फैलाता है क्योंकि उसको लगता है कि इस देश के आधे नागरिक जो है वो सूचनाओं के इस क्रांति के दौर में भी सूचनाओं के साथ नहीं है, और अगर हैं तो अफवाहों पे बिलीव करते हैं, कौवा कान लेके भागा पे बिलीव करते हैं, कुछ ढूंढने नहीं जाते। क्योंकि हम आप भी जो जब कुछ स्टोरी बना रहे होते हैं और ढूंढते हैं गूगल पे तो ढेर सारे भेद हैं, डाटा में भारी अंतर है, वो लिख रहा है, वो अखबार वो लिख रहा है, वो चैनल वो लिख रहा है, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। इतना अवेयर है तो जनता कहाँ अवेयर है, इतना पास समय कहाँ हो, तो दाल रोटी में जनता उलझी हुई है, आम आदमी दाल रोटी में उलझा हुआ है कि किराया कैसे भरे, दूध कैसे लाए, बच्चों की फीस कैसे भरे, सिलेंडर कैसे खरीदे। अब उसमें एक ये दौड़ा देते हैं कि भैया ऐसा मत सोचो, एक चीज सोचो, हिंदू मुसलमान, इस देश को बर्बाद करने में मुसलमानों का योगदान है, मुसलमानों के भर दिया कि चला ये हिंदू है जो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये अफवाहों से मुझे लगता है नागरिक उभरेंगे, और जब नागरिक उभर जाएंगे तो ये न झूठ चलेगा, न परिवारवाद का झूठा सिहूफा चलेगा, न भ्रष्टाचार का झूठा सिहूफा चलेगा। जी सर, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने साफ कहा कि उनको सत्ता का उनका जो है वो कोई इरादा नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका जो इरादा है वो लोकतंत्र संविधान वगैरह बचाने की वो बात कर रहे थे। साथ ही साथ ये कल क्लियर हो गया कि अब राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। एक सवाल ये कि जो इम्पैक्ट इस चीज से पार्टियों के ऊपर पड़ा, क्या उतना ही प्रभावी इम्पैक्ट, उतना ही प्रभाव जो है वो मजबूत प्रभाव लोगों के बीच में पड़ पाएगा? और दूसरा सवाल इसी के साथ लगा हुआ, दोनों ये सवाल सर दोनों लोगों से है आपसे, पहले धनंजय सर आप जल्दी से इसको उत्तर दे दें, फिर विजय जी उसके बाद खत्म करेंगे। दूसरा सवाल ये कि सर राहुल गांधी जब चेहरा नहीं तो फिर विकल्प कौन होगा विपक्ष की तरफ से इसका? देखिए विकल्प कौन होगा इस पे तो मैं नहीं जवाब दे सकता, ये तो उन्हीं लोगों को तय करना, और वो बैठेंगे मुंबई में तो तय करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो स्टेप लिया उन्होंने और कहा है कि हमारे कांग्रेस से कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये जवाब दिया है बीजेपी के लोगों, नरेंद्र मोदी जी, या आप जो परिवारवाद का या एक सत्ता के लोभी गांधी परिवार को, राहुल गांधी को बगैर बगैर को बताते हैं, उसने पहले ही मना कर दिया कि हमने, अब ये कहेंगे कि वो नाटक है, देखिएगा जब जीत करके आएंगे तो बनेंगे, या ये कहेंगे कि जीत ही नहीं सकते तो प्रधानमंत्री कहाँ बनेगा, अपनी बेइज्जती कराना चाहता है, नहीं कराना चाह रहा इसलिए ऐसा बोल रहा है,
किसी को बलि का बकरा बनाएगा इसमें से, नीतीश कुमार को या शरद पवार को या फलाना जी को ये बलि का बकरा बनाएंगे, ऐसे परसेप्शन ये गढ़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये बड़ा अच्छा फैसला है कि हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ किसी पार्टी को घोषित नहीं करना चाहिए, सांसद बैठ के तय करेंगे भाई, जनता से ये सवाल क्यों कर रहे हो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप जनता सांसद चुनती है, या तो संविधान में चेंज कर दो कि भाई जनता ही प्रधानमंत्री चुनेगी। आप जनता फिर उस परिस्थिति में तो सीधे जनता को फिर प्रधानमंत्री के लिए वोट करना होगा ना। एक्जेक्टली, तो वही करवा लो ना। आप तो प्रधानमंत्री का चेहरे की ही बात करते रहते हो दिन रात बैठ करके, सारे प्रबुद्ध लोग भी बैठ के यही बात करते रहते हैं, तो फिर सीधे प्रधानमंत्री की बात कर लो। अब बात आती है जो कांग्रेस पार्टी ने कहा संविधान की रक्षा, तो भाई संविधान तो आप ही के पास था, आपने ही संविधान बनाया था, आप लंबे समय तक संविधान के कस्टोडियन बने रहे, तो संविधान की रक्षा क्यों नहीं हो पाई, क्यों बीजेपी के पास सत्ता चली गई जो संविधान को बर्बाद करना चाहता है। इस पर विचार तो आपको करना चाहिए, और अगर विचार करना चाहिए तो उस तरह से आप जो चीजें कर रहे हैं क्या कर पा रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या जनता तक उस तरीके से पहुंच रहे हैं। आप एक देखिए कि राहुल गांधी ने एक पदयात्रा की, उससे पूरा सिनेरियो बदल गया जी। लेकिन क्या केवल राहुल गांधी की एक पदयात्रा से काम चलता है, या बाकी लोग भी पदयात्रा करें जहां अपने अपने स्तर पर जनता से संवाद करें? राहुल गांधी जाएंगे तभी जाओगे, कांग्रेस के जो बाकी नेता है वो क्या कर रहे हैं? खाली आप माइक पकड़ के बैठने के लिए हो, या कहीं कुर्सी पे बैठने के लिए हो कि मंच पे कितने लोग बैठ जाएं? आप अपने इलाके में क्या कर रहे हैं? मैं एक लास्ट लाइन बोलूं, देखिए जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारा काम है, और जनता उनके इंतजार कर रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे गांधी ने कहा था कि जो है कांग्रेसियों को चला जाना चाहिए गाँव में और पंचायतों में काम करना चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं बिहार का तो आइडिया दे रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा ही सब जगह है, यहाँ महाराष्ट्र में भी मैं देखता हूँ, सारे ब्लॉक जितने ब्लॉक है, जिसको यहाँ तालुका कहा जाता है महाराष्ट्र में, आपके यहाँ प्रखंड कहा जाता है, सारे ब्लॉक जो हैं, जो तालुका है, जो प्रखंड है, वहां से आम आदमी का सीधा वास्ता है। वो किसानों का, मजदूरों का, जिनको आय सर्टिफिकेट बनाना है, फलाना सर्टिफिकेट बनाया है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, सारे प्रमाण पत्रों के लिए। आप देखिए कि वहां क्या कांग्रेस ने अपना एक स्टॉल लगाया है कि भाई देखिए हमारे पास जानकारी, आपसे कोई रिश्वत नहीं लेगा। सारा ब्लॉक भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, जमीन का दाखिल खारिज कराना है उसके लिए पैसे दीजिए, ये करना है उसके लिए पैसे दीजिए। अरे आप वो करो तो, भ्रष्टाचार को जमीन से खत्म करना पड़ेगा। माइक पे बोलने से जैसा मोदी जी बोल रहे हैं आप भी वही करोगे तो भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार को आप ही पालते हो। सबसे दुखद बात यह है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही भ्रष्टाचारियों को पालते हैं, कोई जनता नहीं पालती है भ्रष्टाचार जी।